तो हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं मेरी इस न्यू वीडियो में। तो आप लोगों को आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग एक इंडिया में जो गेम अभी अभी उसका बीटा वर्जन चल रहा है और उस गेम का नाम है इंडस बैटल रॉयल, आप उस गेम को एमुलेटर में 120 FPS पे कैसे खेल सकते हो, आप लोगों को बताएंगे। और आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये गेम, कहाँ से और कैसे, क्योंकि ये प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो सकता, वहाँ पर प्री रजिस्टर मिलेगा, लेकिन एमुलेटर वाले लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे जो बताए हुए स्टेप टू स्टेप से आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो और आप लोगों को चलते हैं स्क्रीन पर लेके गाइड। चलो तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पे, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएंगे, पहले तो आप लोगों को MSI पे जाना पड़ेगा। MSI पे आप आते ही आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको प्ले स्टोर में जाना है, सिस्टम ऐप पे जाना है, फिर प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में चेक करना है गेम इंडस बैटल रॉयल, इंडस बैटल रॉयल ये गेम आपको सर्च करना है। जैसे ये सर्च करोगे ऐसा आ जाएगा, क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इस गेम पे, तो जैसे ही आप है ना, देखो ये आ गया ना इंडस बैटल रॉयल, तो ये आ गया है, मतलब अभी थोड़ी ग्लिच हो गया, दोबारा एक बार करते हैं, हट गया है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही आप लोग दोबारा करते हो एमुलेटर पे, एंड लिखना है इंडस बैटल रॉयल, जो लिखना है सेम लिखना है, एंड देन आप लोगों को इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। मोर डिवाइस अवेलेबल, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसका बीटा वर्जन, इंडस बैटल रॉयल का मोबाइल का बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है, आपका अगर ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड करने का नहीं आ रहा है, तो आपको एक तरीका और बताता हूँ। आप एग्जिट कर दो यहाँ से, इसको काट दो यहाँ से, एंड काटने के बाद आप बैक आ जाओ। बैक आ गए, आप लोगों को क्रोमो में जाना है, क्रोमो में लिखना है, गूगल पे जाना है, एंड गूगल पे गूगल लिख देना है, फिर गूगल करके क्लिक, एंड यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इंडस बैटल रॉयल। आपने ऐसा लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है अप टू डाउन, अप टू डाउन लिख देना है, अप टू डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, इंडस बैटल रॉयल मोबाइल, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट पे ही क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा, तो आप लोगों को तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस गेम को, यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को नीचे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, देखो गाइस, तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोगों का ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, इंडस बैटल रॉयल मोबाइल 0.38 आप लोगों के सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो 1.5 GB का है गेम ये, एंड डाउनलोड पे लग चुका है, एंड हो रहा है आपका हमने जल्दी, ठीक है। तो ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग इस गेम को, तो जल्दी डाउनलोड है, स्पीड है, नेट की स्पीड है, 1 मिनट के अंदर ही होगा, ठीक है। फिर जब तक है ना, मतलब कि जब तक डाउनलोड हो रहा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करना है, आप लोग प्ले स्टोर पर, फिर से बता रहा हूँ, अगर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर भी जाके आप लोगों को बस इंडस बैटल रॉयल लिखना है, एंड ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के सामने, एंड डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, जिसका ऑप्शन आएगा, जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है डाउनलोड करने का, तो वो इसे एग्जिट करके, एंड देन आप लोगों को इसको हटा के क्रोमो पर जाके ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ से भी, जैसे मैंने बताया है। फिर से मैं आप दो लोगों को दोबारा बता देता हूँ, बैक करता हूँ एक बार, और फिर बैक करता हूँ, फिर बैक करता हूँ, और आप लोगों को सर्च करना इंडस इंडस बैटल रॉयल अप डाउन अप टू डाउन डाउनलोड, ये क्लिक करते ही फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक करना है, याद रखना। फर्स्ट क्लिक करोगे, फर्स्ट करोगे नीचे सेकंड पे आएगा, सेकंड वर्जन पे आएगा, इस पे क्लिक करते ही आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है, जैसे हमारा लगा हुआ है अभी डाउनलोड पे,
ठीक है, हमारा डाउनलोड लगा हुआ है, तो अभी जल्दी से ये डाउनलोड हो जाता है, फिर आप लोगों को ओपन करके दिखाते हैं। गेम बढ़िया है, आपको 120 FPS मिलेंगे इसमें खेलने के लिए। 120 FPS आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को सेटिंग भी बता दूंगा कि आप लोगों को सेटिंग भी क्या करनी है, सारी सेटिंग बता दी जाएगी। अभी गेम को ओपन कर लेते हैं पहले। अभी गेम को पूरा होने के बाद आपको सेटिंग बता दी जाएगी, ठीक है। पूरा गेम एक बार हो जाए डाउनलोड, फिर आपको डिस्प्ले क्या रखना है, ग्राफिक क्या रखना है, गेम सेटिंग क्या रखना है, डिवाइस में क्या रखना है, परफॉर्मेंस पे क्या रखना है, सब बता दिया जाएगा। तो ठीक है, आप अभी ये डाउनलोड हो रहा है, 12 13 9 10 8, जल्दी से डाउनलोड हो जा भाई। पूरा ही वीडियो दिखा रहा हूँ, कहीं काट कुछ नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के सामने कर दिया है। क्लिक कर देना है। की मैपिंग भी आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड देन डन हो गया, ये हमारा डाउनलोड हो गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये डाउनलोड देखो, इंडस बैटल हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आप लोगों को मैं सेटिंग बता देता हूँ, पहले सेटिंग क्लियर कर लो। सेटिंग आप लोगों को क्या क्या करनी है इसके अंदर, पहले तो इस सेटिंग में क्या क्या करना है, ये परफॉर्मेंस देखो। जीपीयू आप लोगों को पहले पहले जीपीयू कोर क्या रखना है, ठीक है, हाई कोर कोर क्या रखना है, मतलब जीपीयू, तो ये जितना आपका है कस्टम करके आप रख सकते हो, जितना आपका है। मेरा 8 है तो मैं 7 रख देता हूँ, 7 रख देना, क्योंकि अगर आप 8 रखोगे तो जीपीयू एमएसआई प्लेयर आपका मतलब कि लैग करने लग जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा मतलब। तो आपका जितना है, अगर 7 8 है तो 7 रख देना, 7 है तो 6 रख देना, 5 है तो 4 रख देना, ठीक है। तो मैंने रख दिया है अपना 7, ठीक है। एक्सट्रीम आपके पास कितनी है रैम, मेरे पास 22 GB है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम 12 GB तक ही रहेगा, तो 12 GB कर देना, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस पे आप लोगों को लो मेमोरी है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस करते ही आप लोगों को ये सेटिंग है, पहले इनेबल हाई फ्रेम रेट आपको इनेबल कर देना है, और डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले इनेबल कर देना है। और फिर आप लोगों को ये फ्रेम रेट है जो, इसको 60 से 240 FPS तक कमोल कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे सेव कर देना, फिर रिस्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर रिस्टार्ट शुरू हो जाएगा, फिर हम दोबारा अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाओ। डिस्प्ले सेटिंग पे आप लोगों को अपना रेजुलेशन के हिसाब से रखना है, जो आपका मॉनिटर का रेजुलेशन है आपको उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। मेरा 1920 पे चलता है, मतलब कि 25 पे भी चलता है, लेकिन मैं इतने पे ही रखता हूँ इसे, ठीक है। डी पिक्सल डेंसिटी आपको रखनी है 200, जो भी आपकी है, 160, मेरे को 240 DPI है, तो मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। बस ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। एंड देन इसको भी सेव करो, रिस्टार्ट करो, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर ओपन होने के बाद दोबारा एक बार क्लिक कर देते हैं हम इसके ऊपर, एंड फिर जाएंगे अपना डिस्प्ले का भी काम हो गया, ठीक है। आराम आराम से बता रहा हूँ सबको। ग्राफिक का, फिर ग्राफिक पे आ जाना, ग्राफिक पे आप लोगों क्या रखना है कंप्लीट, आप या तो इस पे रख सकते हो, आपका जो है पीसी नॉर्मल चल रहा है तो आप इस पे चल सकते हो। अगर आपका हाई प्रोसेस मतलब कि ग्राफिक कार्ड अच्छा है, मतलब बढ़िया वो कर सकता है भाई, गेम को चला सकता है, तो परफॉर्मेंस पे कर देना, क्लिक कर देना। एंड फिर नीचे आ जाना ग्राफिक रेंडर पे, ओपन जीएल पे कर देना, मेरा ओपन जीएल पे है, ओपन जीएल पे कर देना। एंड इसको ऑटोमेटिकली छोड़ देना, इसको भी ऑटोमेटिकली छोड़ देना जो है, एंड इसे भी सेव कर देना और रिस्टार्ट कर देना, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। इसे रिस्टार्ट होने के बाद फिर से हम दोबारा एक बार सेटिंग पे जाएंगे, फिर गेम सेटिंग्स पे जाएंगे, इनको ऐसे ही रह जाए, एज इट इज रह देना देना, एज इट इज रहने देना, इसे भी गेम पेड को भी सेम सेम। एंड जो इसमें है, इसमें आप लोगों को बस क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को ओसो रोग 2 है ना, इसको क्लिक कर देना। एंड इसका जो भी आपका है नेटवर्क, मतलब एयरटेल वाईफाई जियो जो भी, उस पर क्लिक कर देना। मैंने एयरटेल कर दिया है, एंड देन मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आ चुकी है गाइस गेम को रेडी करने पे, चलाने का कैसे चलाए।
अब बस आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना है इसको, एंड डाउनलोड तो हो ही गया, बस आप लोगों को स्टार्ट करना है, एंड देन स्टार्ट होते ही आप लोगों को ये गेम शुरू हो जाएगा। आप लोगों के सामने ऐसे शुरू हो जाएगा, ओपन हो रहा है। हाँ, अब डू यू विश टू डाउनलोड द लेटेस्ट न्यू वर्जन। अब क्या है कि गाइज की इसका एक और लेटेस्ट वर्जन आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ये सोचो भाई डाउनलोड करोगे तो फिर तो वहीं पे चले जाओगे, मतलब कि ना प्ले स्टोर पे है और डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, ये हमारा कैसे क्या होगा। फिर आप लोगों को डाउनलोड पे ही लगा देना है इसे, डाउनलोड पे। तो ये कुछ नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली V0.39 मतलब कि 3. वर्जन 3.9, तो वो 3.8 का वर्जन था, ये 3.9 का वर्जन है ना, इसको बीटा में डाउनलोड कर देगा। तो जैसे ही आएगा, जैसे ये 3.8 का था ना, इसको 3.9 में कर देगा, और ये जल्दी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका ऐसे। तो इसको ऑटोमेटिकली होने देना, ठीक है। जैसे ही जा रहा है जल्दी, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ये दोबारा एक न्यू अपडेट है। क्योंकि ये जब आप लोग करते हो 3.8 में किया है, 3.9 में भी कर सकते हो आप लोग जाके डायरेक्ट, पर मुझे लगता नहीं है ये मिलेगा वहाँ पे अप टू डाउन में, क्योंकि 3.9 का वर्जन मिलेगा नहीं ये। लेकिन आपको 3.8 करोगे तो आपके सामने जैसे ही गेम को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने 3.9 का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और अपनी डाउनलोड की स्पीड अच्छी चल रही है, तो हम जल्दी अभी देख ही लेते हैं इसको, और ये जल्दी डाउनलोड हो जा रहा है। तो जैसे 600 MB हो गया है, जल्दी जल्दी जैसे जैसे डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं गेम को कर चुका हूँ पहले, मेरा दूसरा है ये, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को ये गेम डाउनलोड करना है। क्योंकि मैं अपने पीसी में, मेरे दूसरा MSI है 1 में, उसमें मैं कर चुका हूँ, ये 2 में करके दिखा रहा हूँ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मैं तो खेल रहा हूँ उस गेम को, बढ़िया है, अच्छा है, आप लोगों को दिखाऊंगा गेम प्ले भी कैसा है इसका, बढ़िया है, मज़ा आएगा, मतलब खेलोगे आप ऐसा फील आएगा कि नेक्स्ट लेवल। और पीसी पे चल रहा है भाई, बहुत लोग कह रहे हैं भाई पीसी पे आया नहीं है, पीसी पे नहीं आया, पीसी पे आ चुका है भाई, बीटा वर्जन है, अभी गेम आया ही नहीं है, पहली बार तो बीटा वर्जन चल रहा है ये, इंडस बैटल रॉयल का बीटा का, इंडस बैटल रॉयल का आपका बीटा वर्जन चल रहा है ये मोबाइल में। तो आप एमुलेटर में 120 FPS पे खेलोगे, वो भी 120 FPS कैसे आएंगे आप लोगों को बता दिया, सेटिंग कर लेना सेम टू सेम, जैसी सेटिंग मैंने बताई है सेम टू सेम, परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, ग्राफिक कैसी है, जैसा आपका डिवाइस कैपेबल है करने के लिए वैसा कर लेना आप लोगों को डाउनलोड, ठीक है। दिखा देते हैं डिस्प्ले पूरा फुल, ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है। और जैसे जैसे नए नए अपडेट आएगा ये गेम के बारे में, नए अपडेट आएंगे बताते रहेंगे कैसे अपडेट करना है, जब तक चलेगा आप लोगों का मस्त गेम। 31 सेकेंड रहती है बस, जल्दी से हो जाए डाउनलोड, फिर ओपन करते हैं गेम को। इंडियन ने पहली बार कोई बढ़िया गेम बनाया भाई, जितना आया कि मेरे को तो फ्री फायर से ज़्यादा बढ़िया गेम लगने लग रहा है। फ्री फायर से भी मतलब कि नेक्स्ट लेवल है, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, मतलब इनसे बढ़िया गेम लगा है, मतलब इंडिया में जो बनाया भी पहला गेम आया है उसके मुकाबले। आप ये नहीं करोगे यार बोर हो रहा है यार, मतलब कि, और बंदे भी जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं इस पे। बस ये डाउनलोड हो गया गाइस, एंड आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है, ये स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया, आप लोगों को डाउनलोड कर देना है बस, मतलब इंस्टॉलेशन पे आपको अपडेट है ना, अपडेट करना पड़ता है ना, तो अपडेट ही करना है ये एमुलेटर। तो विंडोज VR अपडेट पे लग गया है, एंड ओपन हो गया है। अब बस मतलब आप लोगों को बैक जाना है और वापस इस पे आना है। अब आप लोगों को इस पे आना है वापस, आप लोगों का ऐसे ही, मतलब अभी इसमें कुछ ग्लिचेस लग रहे हैं यार मेरे को यार। अच्छा, मतलब मेरा पहले से ही डाउनलोड है मेरा यार, पहले से ही डाउनलोड है, मतलब कि दे दिखा देता हूँ आपको, वेट करना। जैसे मेरा एक है पहले से ही डाउनलोड है, ठीक है, और जैसे मेरा ये गेम पहले से ही डाउनलोड है, या आप लोगों को दिखा देता हूँ MSI ओपन, जैसे ही MSI ओपन करूँगा ना, ये पहले से डाउनलोड है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है,
एंड मेरे इसमें आओगे ना, जैसे मेरे 64 बीटा वर्जन है, पाई वर्जन में ही करना इसको डाउनलोड, ठीक है? जैसे देखो आ गया ना, तो मेरा है ना पहले से ही डाउनलोड है ये, क्योंकि तो मैं दोबारा नहीं कर सकता, एम एस माई में 2 बार नहीं चल सकता है, एक ही बार चल सकता है, तो मेरा फर्स्ट वाला है, तो उसी में मैं क्लिक करता हूँ कैसे चल रहा है गेम। आप लोगों के सामने कर दिया है, मैं दिखा देता हूँ जैसा आएगा। अब मेरा ऑटोमेटिकली ही लॉगिन हो गया है, देख सकते हो। याद रखना, एंड दोबारा बता देता हूँ मैं, आप लोग एग्जिट गेम करके, पहले मैं रुक जाऊँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ, एंड दोबारा मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है। आपको गूगल जो आईडी रहेगी ना, आपको उससे ही आईडी करनी पड़ेगी, तो आपको दिखा दिया जाता है, वेट करने पर ये स्टार्ट हो गया है। हाँ, मतलब आपके सामने ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गूगल लगाना है, गूगल की आईडी ऐड करनी है, पर ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। गेम प्ले बढ़िया है, और आप लोगों को एफपीएस दिखा देता हूँ कितने एफपीएस आ रहे हैं, अभी गेम खेल के दिखाते हैं आप लोगों को, एंड आप लोगों को एमुलेटर की मैपिंग क्या सेटिंग करनी है, क्या सेटिंग करनी है वो दिखा देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे जाना है कंट्रोल गेम पे, नीचे जाके आप लोगों को ये करना है थोड़ा सा, और इसको क्लिक कर देना है। तो देखो ये सेटिंग है, बस आपके सामने कंट्रोल लिखा आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल, जैसे कंट्रोल ये लिखा आएगा, इसको सिर्फ आपको लेफ्ट क्लिक करके एक्स दबा देना है बस, मतलब जो आपकी सेटिंग है जिसे आप हटाना है, जिसे आपको क्लिक करना है बस ऑटोमेटिकली, और बाकी सेटिंग ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर अभी ये बैकग्राउंड सॉन्ग आ रहा है, एक बार वेट करना गाइस। तो आपको है ना, मतलब कि ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके एक्स से हटा सकते हो इसको, जो माउस का वो है कर्सर, जिससे गेम चलेगा, और ये इससे है क्लिक कर सकते हो आप लोग किसी चीज़ को भी, ठीक है? तो आप लोग को एक गेम प्ले दिखाता हूँ जल्दी से, बढ़िया सा। तो आप लोग ग्राफिक दिखा देता हूँ पहले, ऑल ओवर, मतलब कि बैटल रॉयल दिखा देता हूँ, ये आप लोगों के सामने कर दिया है। एंड यार ये इसको कम हटा देना, क्योंकि ये वर्ड ना, ये वर्ड है, ये आपको कीवर्ड है ना, ये दिखाई देंगे यहाँ पे, इसको पूरा कैंसिल कर देना या बंदी कर देना, ठीक है? हो गया। और आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा गाइस, और देख सकते हो आप लोग 115 117 एफपीएस आप लोगों के सामने भी आ रहा है, तो देख सकते हो 104 एफपीएस तक, 114 एफपीएस तक चल रहा है आपका, ठीक है? तो गेम कत्ती नेक्स्ट लेवल दिखेगा, एमुलेटर पे खेल रहे गाइस, तो देख सकते हो एमुलेटर पे ही चल रहा है ये गेम अभी, MSI पे, पाई वर्जन पे होगा, याद रखना आपको पाई वर्जन करना पड़ेगा डाउनलोड। पाई वर्जन कहाँ से, मतलब पाई वर्जन जो होता है ना इसका, 64 पाई वर्जन पे ही आप अप्लाई करना, याद रखना इसको, और किसी अप्लाई किसी पर अप्लाई मत करना। गेम प्ले अच्छा लग रहा है, बढ़िया, मतलब कि आपको इसका ऐसे ऐसे है, 112 FPS आप लोगों को दिखेगा। एंड आप लोगों को सामने लीव सीजन कर देते हैं जल्दी से, बहुत टाइम लगेगा यार उसको, मतलब कि गेम प्ले में वहाँ जाएगा, फिर नीचे उतरेंगे जब फाइट लेंगे, तो आप लोगों को मिनी टीडियम खेल के दिखा देते हैं, मिनी टीडियम जल्दी से लग जाए। अभी बीटा वर्जन है तो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो गेम, एमुलेटर पे चाहे मोबाइल पे भी, और अगर मोबाइल पे भी नहीं डाउनलोड हो रहा है जिस भाई से, तो वो मोबाइल पे आप क्या करना, डाउनलोड इन गूगल पे जाके लिखना है इंटर बैटल रॉयल, और वहाँ पे लिख देना अप टू डाउन, अप टू डाउन, वहाँ से भी डाउनलोड करके खेल सकते हो इसे मोबाइल से भी, अगर आपका प्री रजिस्टर लिखा आ रहा है तो। थोड़े अभी लोग प्लेयर कम है इसमें, अभी कर देते हैं डाउनलोड भाई, जल्दी जल्दी डाउनलोड हो जाए यार, क्या मतलब कि प्ले कर ले यार, प्लेयर दो बंदे हैं, दो प्लेयर जल्दी बंदे ज्वाइन हो जाए तो खेल के दिखाते हैं आप लोगों को, फील अलग है यार, नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि और साथ साथ में गाइस लाइव स्ट्रीम को लाइक, मतलब कि साथ साथ में इस चैनल को सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना, जब भी कभी कोई आगे न्यू वीडियो हम अपडेट करेंगे तो आप लोगों को मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बेल आइकन दबा के रखना याद दोस्तों, जब भी हम करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन दबाने से हमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है आपको? और आपके सामने देखो मैच स्टार्ट हो चुका है गाइस,
और कई कई बार क्या होता है ग्लिचेज, मतलब कि साउंड चली जाती है तो दोबारा रिस्टार्ट कर लेना गेम को, कई बार हो जाता है ग्लिचेज में आवाज हट चली जाती है मतलब कि गेम की, तो एक बार हटा यहाँ से कैंसिल करना और हटा के दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अभी गेम खेल के दिखाते हैं आप लोगों को, एमुलेटर में सेटिंग बताई दी है, की मैपिंग आप लोगों को बताई दी है कैसे क्या करना है, एक्स दबा के मतलब ये सेट कर देना है, कंट्रोल लिखा है एक्स कर देना, जो भी आपकी जो सेटिंग जिसे आपको माउस से कर्सर हटाना है, और बाकी ऑटोमेटिकली जो सिस्टम में सेटिंग है ही वो तो मत छेड़ना बस। और यहाँ पे हो गया है भाई, जल्दी स्टार्ट कर दे भाई। नो वाट, कौन आया भाई? मधु बैठी एक बंदा आया हमारे साथ खेलने के लिए, तो ये स्टार्ट हो चुका है गाइस। और देख सकते हो एफपीएस भी बढ़िया आ रहे हैं गाइस, एंड खेल के दिखाते हैं आप लोगों को, देखो एक नंबर का मजा आ जाता है गाइस खेलने में भी हमको। अरे भाई अरे यार मार दिया, चलो भाई अब इनको मारते हम भी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना, खेलना सीख जाओगे। ये गन सबसे बढ़िया है गाइस, अगर आपको खेलना है ये गन सबसे बेस्ट है, ये गन सबसे बेस्ट है, अगर आपको यूज करनी है तो आप उसे यूज करना, इस गन को भी सबसे बढ़िया चलती है। ओहो मार दिया भाई पीछे से, अरे आठ मिनट का गेम रहता है गाइस। शॉट गन ले जाएगा, अरे यार पीछे से दे दिया इसने तो। चलो चलो लो खत्म भाई, जरूर नहीं है स्कोप दूर पे ही खोलना, पास में स्कोप खोलने की जरूरत नहीं है, ये दूर पे इतना दूर पे खोल सकते हो, पास में आप लोग वैसे ही मार सकते हो। पीछे से आया और ये भाई हमें मार रहा है, देख रहे हो? अरे पता नहीं भाई, एमुलेटर वाले प्लेयर है, और प्रैक्टिस के ऊपर गेम है गाइस, जो भी मोबाइल पे खेलता होगा जायरो खेल के बढ़िया खेल लेगा, और जो एमुलेटर पे खेलना चाहेगा वो एमुलेटर पे भी खेलने वाला प्लेयर होना चाहिए, कहीं से भी खेल सकता है वो। और देख सकते हो गाइस, अरे भाई अरे भाई, अभी कुछ थोड़े बहुत ग्लीसेस हल्के हल्के रहे इसके गेम के अंदर, मतलब ऐसे गेम जो बना रहे हैं तो ये ठीक कर देंगे तो उसके बाद सही हो जाएगा। ओ भाई बहुत बढ़िया, दोबारा ओ भाई 1 HP, ये गया देख सकते हो गाइस, बराबरी के टक्कर पे ला दिया। बारह बारह कर दिए गाइस, अरे मजा आ जाएगा यहाँ पे, लोग खेलोगे ना सिमुलेटर पर, अब लोग बोरियत नहीं मिलाएगी, बोरियत फील नहीं आएगी, ऐसा लगेगा फील्ड का इंडिया का गेम समझोगे नहीं, इंडिया ने गेम बना दिया ऐसा। बहुत लंबा गेम हो रहा है गाइस, बस 12 और
ऐसे आप लोग खेल सकते हो गाइस, ठीक है। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ये बहुत टाइम जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड देन इसे काट देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ठीक है, काट देता हूँ गाइस। यार खेलने का मन होता है ना, खेलते ही रहो, ऐसा लगता है ये गेम ऐसा है, खेलने का मन है तो खेलते ही रहो। चलो 22 सेकंड है, 22 सेकंड खेल ही लेते हैं यार, क्यों गेम को कैंसिल करना। 16 बराबरी बराबर टेक करते हैं। और ये गेम याद रखना, वी फ्यूरी सबसे बढ़िया गन है, एक नंबर की चलती है। विक्ट्री कर ली है एंड जीत भी गए हम इस गेम को। एंड देन ऐसे हैं, और मैंने कितने किल करे हैं अब लोगों के सामने है, और 15 किल कर दिए, 4000 का डैमेज है, ठीक है। तो ऐसे गेम है गाइस। और अगर मेरे साथ आप लोग गेम खेलना तो दीपंजना YT सर्च कर लेना एक बार, एंड देन रिक्वेस्ट सेंड कर देना। लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ डेली इसकी। तो देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइज आप लोगों को नए अपडेट के बारे में, इसके में जो भी अपडेट आएंगे तो बताते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों को, एंड लाइक इस वीडियो को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना गाइज। और एग्जिट करते हैं हम यहाँ से, अब गेम को एग्जिट कर देते हैं। चलो गाइज, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को प्यार दिखाना और शेयर करना, और सभी जो भी एमुलेटर प्लेयर हैं सबको उनको शेयर करना है ये वीडियो। थैंक यू सो मच।